गुड मॉर्निंग क्लास गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू पार्ट टू फ्रॉम क्लास सेवन स्टोरी दैट इज़ गोइंग वेस्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे अब तक देखा था कि दैट फादर डिसाइडेड एंड ही डिस्कस्ड विद मदर दैट दे आर लिविंग द हाउस कि अब वो घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं तो मॉम ने भी कहा कि क्या अभी ज़रूरी है तो अभी यहाँ इनकी बातचीत चल रही होती है लेट्स कंटिन्यू एंड बिफोर कंटिन्यूइंग दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल बी गेटिंग न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस सो लेट्स स्टार्ट इफ़ वी आर गोइंग दिस ईयर वी मस्ट गो नाउ सैड पा जब मदर ने कहा था कि अभी जाना ज़रूरी है क्या तो पा ने क्या कहा अगर हम इसी जाना है इसी साल जाना है तो अभी जाना पड़ेगा वी कांट गेट अक्रॉस द मेसीपी आफ्टर द आइस ब्रेक्स क्यों कहा उन्होंने ऐसा बिकॉज जब आइस पड़ने लगेगी ज़्यादा बर्फ हो जाएगी तो मिसिसिपी से बाहर नहीं निकल पाएंगे मिसिसिपी जो उनका कंट्री था सो पार सोल्ड द लिटल हाउस ही सोल्ड द काओ एंड द काफ तो उन्होंने घर बेच दिया काव और उसके बच्चों को बेच दिया की मेड हिकोरी बोज हिकोरी मीन्स हिकोरी एक ट्री होता है पेड़ होता है उसकी बोज बनाई जैसे ऊपर पाल डालने के लिए किसी जैसे बैलगाड़ी पर डालते हैं या ट्रॉली पे उस तरह बनाने के लिए एंड फासन दैम अपराइट टू द वैगन बॉक्स और उन्होंने बैलगाड़ी में उनको सही से बांध लिया माँ हेल्पड हेम स्ट्रैच वाइट कैनवास ओवर दैम और माँ ने भी हेल्प की उसके ऊपर कैनवास डालने के लिए मतलब तरपाल डालने के लिए जिससे वो लोग आप आराम से बंद होकर चले जाएंगे इन द थिन डार्क बिफोर मॉर्निंग मा जेंटली शूक मैरी एंड लॉरा टिल दे गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग माँ ने मैरी और लॉरा को उनको पकड़ कर उठाया इन फायर लाइट एंड कैंडल लाइट शी वॉस्ड एंड कोम दैम एंड्रेस दैम वार्मली तो लाइट नहीं थी उस टाइम पे तो फायर लाइट में और कैंडल लाइट में उन्होंने उसको ड्रेस कराया उनके बाल को कोम्ब किया शी ड्रेस दैम इन वुलन पेटीकोट्स एंड वुल ड्रेसेस एंड लॉन्ग वल स्टॉकिंग्स तो माँ ने उन सब बच्चों को क्या क्या पहनाया जो गर्ल्स थी पेटीकोट्स पहनाए, ड्रेसेस वूल वाली पहनाई, गर्म एंड वुल स्टॉकिंग्स शी पुट दियर कोट्स ऑन डैम एंड दियर होर्ट्स एंड दियर रेड एन मिटन्स तो उनको कोट पहनाए, उनके होट्स पहनाए, एंड उनके मिटन्स मिटन्स मतलब ग्लब्स हाथों में ठीक है नेक्स्ट एवरी थिंग फ्राम द लिटिल हाउस वॉज इन द वैगन तो उस घर में जितना भी सामान था वो अब वैगन में रख लिया था अपनी गाड़ी में एक्सेप्ट द बेड्स एंड टेबल्स एंड चेयर्स सिर्फ बेड्स टेबल्स और चेयर्स को छोड़कर, क्योंकि इतना सामान नहीं आ पाता उसमें दे डिड नॉट नीड टू टेक दीज बिकॉज पा कुड ऑलवेज मेक न्यू वंस क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पा दूसरी जगह जा कर खुद बना लेंगे बेड और टेबल चेयर्स शायद वो एक कारपेंटर थे देर वॉज थिंस स्नो ऑन द ग्राउंड जमीन पर पतली पतली बर्फ पड़ी हुई थी द एयर वॉज स्टिल एंड कोल्ड एंड डार्क द एयर वॉज स्टिल मीन्स इट वॉज नॉट ब्लोइंग हवा चल नहीं रही थी ठंडी थी और अंधेरा भी था द बेयर ट्रीज स्टूड अप अगेंस्ट द फ्रॉस्टी स्टार्स यानी तारे दिख रहे थे और तारे भी ऐसे लग रहे थे वो भी फ्रॉस्ट में जम गए हों और पेड़ खड़े हुए थे वहाँ पर बट इन द ईस्ट द स्काई वॉज पेल एंड थ्रू द ग्रे वुड्स केम लैंटन्स विद वैगन्स एंड हॉर्सेस ब्रिंगिंग ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा एंड आंट्स अंकल्स एंड कजिन्स तो क्या बोलते हैं हर जगह अंधेरा था बट ईस्ट में थोड़ा थोड़ा पेल पीली कलर की रोशनी आ रही थी शायद सुबह होने वाली थी और कुछ लोग बैगन्स अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे घोड़े लेकर आ रहे थे उनके साथ में लेंटन्स थी उसमें ग्रैंडपा थे अलग अलग बच्चों के ग्रैंडपा ग्रैंडमा ग्रैंड आंट्स अंकल आंट्स कजिन्स यानी जो भी लोग छोड़ छोड़ के घर जा रहे थे उन सबके बैलगाड़ियाँ एंड लैंटर्न लेके चल रहे थे नेक्स्ट मैरी एंड लॉरा क्लंग टाइट टू दियर रैग डॉल्स एंड डिड नॉट से एनी थिंग तो मैरी और लॉरा के हाथों में इनकी डॉल्स थी रैग डॉल्स मतलब कपड़े वाली डॉल्स द कजिन्स स्टूड अराउंड एंड लुकड दैट दैम उनके जो कजिन्स थे उनके पास में खड़े हुए थे उनकी तरफ देखा उन्होंने ग्रैंडमा एंड ऑल द आनस हग्ड एंड किस्ड दैम एंड एंड किस दैम अगेन सेंग गुड बाय तो ग्रैंड और आंट्स उन बच्चों को बार बार हक कर रही थी किस कर रही थी बच्चे क्योंकि उनसे दूर जा रहे थे और बाद में उन्होंने गुड बाय बोला पा हंग हिज़ गन टू द वैगन बोज इन साइड द कैनवास टॉप वेयर ही कुड रीच इट क्विकली फ्रॉम द सीट। तो पा ने अपनी गन कहाँ रखी थी वैगन बोज में ऊपर ठीक है तरपाल के नीचे जहाँ से वो आसानी से उसको बंदूक को उठा ले अगर कोई खतरा होता है डेंजर होता है तो आसानी से गन तक पहुंच जाए ही हंग हिज बुलेट पाउच एंड पाउडर हॉर्न बिने दिट तो उनका जो बुलेट पाउच था जिसमें कारतूस थे गोलियां थीं और पाउडर हॉर्न मतलब जो गोलियों के अंदर डालने वाली एक रॉड जैसी होती है वो उनके नीचे थी ही लेड द बॉक्स केयरफुली बिटवीन पिलोज़ वे आर जॉल्टिंग वुड नॉट हर्ट द फिडल और उनका फिडल बॉक्स था फिडल मीनस एक वायलिन जैसा ठीक है इसको सितार सारंगी टाइप का बोलते हैं बजाने का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो उन्होंने पिलोज़ के बीच में रखा रखा था क्योंकि ये टूट ना जाए फिडल को, को कोई चोट ना पहुँचे नुकसान ना हो अंकल्स हेल्प्ड हिम हिच द हॉर्सेज टू द वैगन उन बच्चों के जो अंकल थे उन्होंने हेल्प की घोड़ों को वैगन में जोड़ने के लिए ठीक है पाप पिकडअप मैरी एंड देन लॉरा पाने मैरी और लौरा को उठाया एंड सेट देम ऑन द बेड इन द बैक ऑफ द वैगन और गाड़ी में उनको बिठा दिया ही He हेल्प्ड माँ क्लाइंब अप टू द वैगन सीट एंड ग्रैंड मा अप एंड गेव हर बेबी कैरी तो उन्होंने हेल्प की पाने माँ को ऊपर वैगन सीट में जाने के लिए और उन बच्चों की ग्रैंड माँ ने उनको बेबी कैरी जो छोटी बच्ची थी उसको दे दिया पा अप and sat beside ma and Jack the brindled bulldog went under the wagon. तो pa bhi बैठ गए सीट पर सभी बच्चे बैठ गए और जो जैक था जैक उनका बुलडॉग था ब्रिंडल्ड मतलब झबरे walon वाला ठीक है फर with furry hairs वेंट अंडर द वैगन यानी वो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था सो दे ऑल वेंट अवे फ्रॉम द लिटिल लॉग हाउस अब सभी लोग उस छोटे से लकड़ी वाले घर से जा रहे थे द शटर्स वर ओवर द विंडोज़ सो दिटल हाउस कुड नॉट सी दम गो तो क्या बोलते हैं घर को उन्होंने एक लाइव लिविंग चीज़ मान लिया कहते हैं कि उनके जो शटर थे वो विंडोज़ के ऊपर थे तो इसलिए घर उनको नहीं देख पा रहा था जाते हुए इट स्टेड दे आर इनसाइड द लॉक फेंस बिहाइंड द टू बिग ओक ट्रीज दैट इन द समर टाइम हैड मेड ग्रीन रूप फॉर मेरी एंड लॉरा टू प्ले अंडर और क्या बोलते हैं जो घर था लॉन्ग फेंस के अंदर था यानी बाउंड्री के अंदर जहाँ पर दो बड़े बड़े ओक के पेड़ थे और समर टाइम में उनकी जो छाया होती थी ओक के पेड़ों की वो मैरी और लॉरा के खेलने के काम में आती थी एंड दैट वॉज द लास्ट ऑफ द लिटल हाउस और इस तरह वो उनका लास्ट सीन था लिटिल हाउस का पा प्रॉमिस दैट वेन दे केम टू द वेस्ट लॉरा शुड सी अ पैपूस और क्या बोलती है आ, पा बोलते हैं लॉरा से कि जब कभी भी वेस्ट जाएंगे तो तुम्हें पेपूस देखने को मिलेगा ठीक है पैपूज मतलब इंडियन बेबी ठीक है तो लड़की ने यानी लॉरा ने क्या पूछा वाट इज अ पेपूस एंड ही सैड अ पैपूज इज़ अ लिटिल इंडियन बेबी तो उन्होंने कहा पैपूज एक छोटा सा इंडियन बेबी होता है दे ड्रव अ लॉन्ग वे थ्रू द स्नोई वुड्स टिल दे केम टू द टाउन ऑफ पेपिन तो वो उस स्नोई वुड्स यानी बर्फीले जंगल में से जहाँ पर बर्फ ही बर्फ थी पूरे रास्ते पर पेड़ों पर पे, और तब वो चलते चलते एक पेपिन नाम के टाउन में पहुँच गया मैरी एंड लॉरा हेड सीन इट वंस बिफोर बट इट लुकड डिफरेंट ना मैरी एंड लॉरा ने इस टाउन को देखा था क्योंकि उनके घर से थोड़ा दूर था बट पहले से थोड़ा अलग हो गया था द डोर ऑफ द स्टोर एंड द डोर ऑफ ऑल द हाउसेज वर शर्ट सभी के डोरस बंद थे क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी पहुँचे थे द स्टम्प्स वर कवर्ड विद स्नो एंड नो लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटडोर्स और सब में वर पड़ी हुई थी यानी जो पेड़ के स्टम्प्स थे उन पर भी वर्फ थी और कोई भी बच्चा बाहर नहीं खेल रहा था तो आज के लिए यहीं तक एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टिल देन